गाइस अभी हम यहाँ प्लांटेशन में आए, स्पाइस प्लांटेशन। यहाँ पे सब हमें टूर है, हमें यहाँ पे लंच भी प्रोवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पे लंच भी करेंगे और सब स्पाइसेस के बारे में पता चलेगा हमें, मसाले क्या क्या है वो सब देखते हैं क्या है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, अभी हमारा शायद स्वागत होने वाला है। आंटी वेलकम ड्रिंक मिलने वाला है, वेलकम घूमना चाहते थे तो गाइस हमें यहाँ पे वेलकम ड्रिंक मिला है, प्रोवाइड किया गया। चाय है ये हर्बल चाय, देखते हैं खाने घूम करके बता। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं फूड प्लांटेशन, वो हमें गाइड करेंगे क्या क्या है क्या नहीं। अशु भी मेरे साथ चल रहा है, अशु देखो। और हमने हिंदी गाइड लिया है ताकि आपको भी समझ में आए स्पाइसेस के बारे में। हम इंडिया में रहते हैं, स्पाइसेस के बारे में हमें पता है क्या नहीं, चलो देखते। खास करके तो मेरी वाइफ को मैं दिखाता हूँ कितना समझ है स्पाइसेस मसालों की, है ना। तो देख रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं, व्यूज बहुत अच्छा है। चलो ये देखो गाइस, व्यूज देखो। अभी हम मैं अभी फ्रंट कैमरा कर देता हूँ, फिर सब देखने को मिलेगा। अभी चलो आगे जल्दी जल्दी स्थानों। कॉफ़ी का पेड़ है जो ग्रीन कलर के ना कॉफ़ी बीन्स है। कॉफ़ी ना दो टाइप की होती है, एक होती है अरेबिका, दूसरी होती है रोबोस्टा। जो अरेबिका होती है रोबोस्टा से स्ट्रांग होती है, और यहाँ पे जो पेड़ है ना सारे अरेबिका के ही हैं। तो जब ये बेरीज लगते हैं तो इसका कलर ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन है।
इसकी साइज बड़ी होती है। पकने के बाद इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ब्राउन होता है। ब्राउन होने के बाद उसे निकालते हैं, पील करके सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब रोस्ट करते हैं ना, तभी कॉफ़ी बीन को कॉफ़ी की स्मेल आती है। ऐसा स्मेल करोगे तो नहीं आएगी, जब रोस्ट करते हैं ना तभी स्मेल आती है। रोस्ट कर जो सीन्स होते हैं उसका जो पाउडर बनता है वही कॉफ़ी पाउडर है। अभी ये ग्रीन है। क्रश करो जाने, स्मेल करो। जितना क्रश करोगे ना उतनी ज्यादा स्मेल आएगी। ये ना पक्का क्रश करके स्मेल करने को, इस चीज का है, इस चीज का है, इसी बड़े वो भी है। गाइस स्मेल बहुत अमेजिंग, स्मेल स्ट्रांग है। ऊंचे लंबा अच्छा, वो बड़े वाला। तो ये इसका है, इससे बड़े पैकेट है। वहां से ये ऑफ पर गरम मसाले का पेड़ है, इसका नाम है ऑफ पर। एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों में तो इस पेड़ का है। तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, तो इसके जमीन को पेरिस लगती, छोटे छोटे ब्लैक कलर होते ना, वैसे लगते नहीं लगते, उसे निकाल के सुखाते पाउडर। गाइस आपने देखा सब प्लांट्स के बारे में, सब ऐसे आते हैं, हम तो खा लेते गाइस, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस इतना लंबा है। देखिए अशु ने भी सुना है, तोड़ तोड़ के इसको पका के खाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही नेचुरल, हमारे लिए इन्होंने लंच प्रोवाइड किया है, तो हम देखते हैं क्या लंच है एकदम। ठीक है गाइस, हम लंच के लिए जाते हैं और वो सब जो भी लंच पे। चालू है, चालू। आज मैं पेनी ट्राई करने वाला हूँ, तुम पी रहे हो? गाइस पेनी है ये, तो मैं पी रहा हूँ। बहुत गंदा टेस्ट था गाइस, बहुत गंदा। बोलो ऑन है। हेलो गाइस, अभी यहाँ खाना है चिकन। अरे ये क्या कर? हेलो गाइस, अभी यहाँ चिकन खाना है, यहाँ पर अच्छी है। आपने क्या क्या खाया है दूर से बोलो? आप क्या क्या खाना खाए? चिकन, पापड़, मच्छी, यहाँ पर स्पा बहुत सारे हैं। काजू भी बहुत फेमस है यहाँ के, काजू बहुत फेमस है। लोकल मार्केट ही आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हो। अगर मुंबई से कुछ नहीं लाए आप जा रहे हैं तो वहाँ से यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिवाय हॉस्पिटल या क्लिनिक के डॉक्टर के, बाकी हर चीज़ें अवेलेबल।